अगर हम कंपेयर करें डीजल यूजर्स को और इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स को, तो जो उन दोनों के बीच में गैप है, दैट कैन बी सीन एज अ वेस्टेज। कि अगर डीजल की तरह लोगों को हाई प्राइस पे करना पड़ता है एनर्जी के लिए, तो वो उसको और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि पावर सब्सिडाइज्ड है या कई स्टेट्स में फ्री भी है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एक वेस्टेज है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट काफ़ी लोगों के की तरफ से आया कि अगर हम सबको वापस मीटर कर दें, और अब मीटरिंग टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई है, ऑटोमेटिक रीडिंग पॉसिबल है, तो करप्शन भी कम हो सकता है, टाइम ऑफ द डे मीटर्स भी आ गए हैं, वेस्ट बंगाल ने ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो अगर हम वापस मीटरिंग पे चले जाएं तो फिर ये वेस्टेज बच जाएगा। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट में कुछ खामियां हैं। एक तो ये बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है, फार्मर्स इंस्पाइट ऑफ जिन एरियाज में फ्लैट रेट हाई भी है, वहाँ पे भी फार्मर्स मीटरिंग पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको ऐसी शंका है कि कल को गवर्नमेंट मीटर के रेट्स और बढ़ा देगी, या फिर से मीटर रीडर्स का उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए हर जगह किसान मीटर्स को अपोज कर रहे हैं, और जहाँ पे बिजली फ्री दी जा रही है वहाँ तो ऑफकोर्स बहुत ही क्लियर रीज़न है मीटर्स को अपोज करना। पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी था, उनके कहने पे इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी ने मीटर्स लगाने की कोशिश की फार्मर्स को, ये कह के कि ये मीटर हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लगा रहे हैं, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि फार्मिंग में कितना बिजली यूज़ होता है, हम इससे आपको चार्ज नहीं करेंगे। फिर भी फार्मर्स ने वो मीटर्स डिस्कनेक्ट कर दिए। इतना इस तरह का ऑपोजिशन है मीटर्स को। ऑफकोर्स मीटरिंग कॉस्टली भी है, सबको मीटर्स लगाना इज़ अ कॉस्टली अफेयर, और उसको मीटर्स को सस्टेन करना, मीटर्स कहीं फेल हो जाते हैं, कहीं मीटर्स ख़राब हो जाते हैं, उसको बार बार रिप्लेस करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और उससे भी ज़्यादा परहैप्स इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मीटर होने के बावजूद भी पावर यूज़ कम होने के चांसेस बहुत कम है। हम लोगों ने आनंद में ही एक स्टडी किया था, क्योंकि आनंद में दोनों तरह के सिस्टम्स हैं, फ्लैट रेट वाले ग्राउंड वाटर यूज़र्स भी हैं और इलेक्ट्रिक वाले ग्राउंड वाटर यूज़र्स भी हैं। हमने देखा कि दोनों के बीच में यूजेज का ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि मीटर रेट भी जो है वो काफ़ी लो है, 75 पैसे या 90 पैसे पर यूनिट। तो जिनका मीटर कनेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो मार्जिनल कॉस्ट जो है 90 पैसे पर यूनिट उसको कंसिडर नहीं करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। वो 90 पैसे पर यूनिट पे करेंगे, लेकिन वो 60 रुपीज़ पर आर अपने नेबरिंग फार्मर को पानी बेच सकते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट यूजिंग पावर इज मच मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूजिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ पावर। ये मीटरिंग का प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी था, उनका भी कुछ हमारी तरह का ही सिस्टम था। पाकिस्तान पंजाब में पहले मीटर टैरिफ था 1991 तक, उसके बाद 2000 तक उनका फ्लैट रेट टैरिफ आया, फिर उन्होंने फिर से कोशिश किया वापस मीटर पर जाने का, लेकिन उनको फिर मिलिट्री डिप्लॉय करना पड़ा था मीटर रीडिंग के लिए, क्योंकि और कोई किसी की हिम्मत नहीं थी गांव में जाके मीटर रीड करे। और 2001 के बाद इंस्पाइट ऑफ दैट, ये सब करने के बाद भी वो वापस फ्लैट रेट पे आ गए। ये एनर्जी इरिगेशन एक्सेस इम्पॉर्टेंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पाकिस्तान पंजाब की बात की, चाइना में भी ये एक बड़ा इशू है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि चाइना भी एक बड़ा ग्राउंड वाटर यूज़र है। चाइना में वो उन्होंने क्या किया कि एक विलेज यूथ को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रिटेलर बना दिया, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी से पावर लेता था और आगे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे पैसे कलेक्ट करता था, और अगर उस प्रोसेस में लॉसेस होते थे तो वो उसको बेयर करने पड़ते थे, और उस प्रोसेस में प्रॉफिट होते थे तो वो उसके प्रॉफिट होता था। चाइना के सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो मीटर रीडर जो सिलेक्ट होता था वो पावरफुल कम्युनिस्ट पार्टी का सिलेक्ट किया हुआ बंदा होता था, तो वो जब जाके पैसे कलेक्ट करता था तो लोग उसको पैसे दे देते थे। लेकिन इंडिया के केस में मुझे डाउट है कि ऐसा प्रोसेस सक्सेसफुल होगा।
स्पेन और मेक्सिको में भी ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वहाँ उन्होंने अपने अलग अलग तरह से अटेम्प्ट किए हैं। हम पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट पार्टिसिपेशन ना। ये कैनाल सिस्टम नहीं है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गवर्नमेंट का है और फार्मर सिर्फ बेनिफिशरीज हैं, तो यू कैन और कैनॉट मैनेज इट पार्टिसिपेटरी। ग्राउंड वाटर के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्राइवेटली मैनेज्ड है, प्राइवेटली ओन्ड है, सो द पीपल आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो एनी काइंड ऑफ ग्राउंड वाटर गवर्नेंस, एनी काइंड ऑफ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हैज़ टू बी पार्टिसिपेटरी। सो आई एम सेइंग देयर इज अ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनेज ग्राउंड वाटर विदाउट डूइंग इट इन अ पार्टिसिपेटरी मैनर, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ कैनाल सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द गवर्नमेंट ओन्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फार्मर्स आर ओनली बेनिफिशरीज। सो द गवर्नमेंट कैन डिसाइड वेदर दे वॉन्ट टू मैनेज इट और लेट द फार्मर्स मैनेज इट। इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन मेड बाई द फार्मर्स देमसेल्व्स, एंड अकॉर्डिंग टू आर लॉ विच माइट बी आउटडेटेड, ऑल द ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ओन्ड बाई द फार्मर्स और द लैंड ओनर्स। सो एनी मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर has to be essentially by definition participatory, right? So in 2002-03 when EME was working on this theme, in this context that I just described, EME ne suggestions ye diya tha ki ek to ye important cheez hai ki sare electricity utilities power supply karte hain at a constant rate throughout the year. Either it is 10 hours or it is 8 hours or it is 6 hours, 365 दिन उतना ही घंटे बिजली दी जाती है फार्मर्स को। तो लेकिन फार्मर्स की ज़रूरत यूनिफॉर्म नहीं रहती है, करीब करीब वो क्रॉपिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, करीब करीब 20-30 दिन होते हैं साल में जब उनको 14 से 16 घंटे बिजली की ज़रूरत होती है, हाँ करीब 50 दिन होते हैं साल में जहाँ वो 8 से 10 घंटे में काम चला सकते हैं, और बाकी के दिन है जहाँ उनको 2-3 घंटे बिजली भी काफ़ी रहेगी। लेकिन क्योंकि जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी देती है उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, वो कब आएगी इसका कोई पक्का नहीं रहता, आई है तो कितनी देर रहेगी इसका भी कोई पक्का नहीं रहता, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, और काफ़ी जगह रीसेंट ईयर्स में ये ट्रेंड है कि फार्मर्स को 15 दिन बिजली दिन में मिलती है और 15 दिन बिजली रात में मिलती है। तो इन सब वजह से फार्मर्स ने ऑटो स्विच लगाना शुरू कर दिया कि बिजली जब भी आएगी पंप चलेगा, खेत इरिगेट हो जाएगा, उनको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे इस सब चीज़ों से जो वेस्टेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब क्रॉप को पानी नहीं भी चाहिए तो भी इरिगेशन होता रहता है। तो अगर इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी ये समझने की कोशिश करे कि उनके जो किसान हैं जिनको वो पावर दे रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या हम अपनी सप्लाई उनके डिमांड को मैच करा सकते हैं, तो इससे फार्मर्स भी ज़्यादा खुश होंगे और इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के भी लॉसेस कम होंगे। उसके अलावा जब जो 20-30 दिनों में उनको 14 से 16 घंटे बिजली की ज़रूरत होती है, तो अब क्रॉप को बचाने के लिए तो वो कुछ भी करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत कॉमन है। गुजरात में क्या होता था कि दिस इज प्री ज्योतिर्ग्राम, प्री 2004, जिस लाइन पे गांव में बिजली जाता था उसमें 3-phase इलेक्ट्रिसिटी 8 घंटे के लिए दिया जाता था, उसके बाद सिर्फ सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता था ताकि घरों में तब भी बिजली रहे लेकिन किसान अपने मोटर ना चला सकें। तो किसानों ने फेज स्प्लिटर्स इन्वेंट कर लिए, वो सिंगल फेज को स्प्लिट करते थे डबल फेज में और उससे मोटर चलाते थे, उससे काफ़ी मोटर बर्नआउट होता था, एक पूरा इंडस्ट्री बन गया, काफ़ी सारे गांव के यंग लोग ट्रेनिंग लेने लगे कि मोटर्स को रीवायर कैसे किया जाए, रिवाइंड कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी किसान ये फेज स्प्लिटर्स काफ़ी यूज़ करते थे। इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ वाटर सेलर्स के रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए थे, तो हमने देखा कि जहाँ उनको साल में 3000 घंटे बिजली मिलती है उनमें से कुछ 4,500 घंटे टोटल उनका पंप चलता था, कुछ अपने लिए और कुछ बाकियों को, बाकी किसानों को पानी बेचने के लिए।
और ऐसा नहीं है कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस बारे में मालूम नहीं था, वो जानते थे कि किसान ये सब कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल विल नहीं था इस सब को रोकने का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन इशू था। उससे ये भी हुआ कि किसानों की वजह से बाकी लोगों का बिजली भी क्वालिटी में कम हो गया। जैसे जैसे ज़्यादा मोटर बर्नआउट होते थे, जैसे जैसे ज़्यादा फीडर्स फूकते थे, उसकी वजह से पूरे गांव की बिजली का भी सप्लाई क्वालिटी कम हो गया। फ्लैट रेट की वजह से बहुत सारा अंडर रिपोर्टिंग भी होता था। अगर आपके पास एक्चुअली 50 एचपी का मोटर है तो आप सिर्फ 20 एचपी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका फ्लैट रेट एचपी पे डिपेंडेंट है। कई बार वो स्टार्ट करते थे 20 एचपी से, जिस टाइम पे इंस्टॉलेशन होता है, जिस टाइम पे कनेक्शन मिलता है, लेकिन बाद में बिना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इन्फॉर्म किए वो उसका एचपी इंक्रीज कर लेते थे। सौराष्ट्र जैसी जगह में काफ़ी हुकिंग भी होता था, पावर थेफ्ट वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन इस सब के बीच में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए एक ही अच्छा था ये सब चोरी होने से, कि कहीं पे भी टोटल मेजरमेंट नहीं था कि फार्मर्स एक्चुअली कितना बिजली यूज़ कर रहे हैं। तो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने लिए टारगेट सेट करता था कि हमारे TND लॉसेज अभी 30% हैं, अगले साल हम 20% कर देंगे, और वो जब भी ऐसा टारगेट सेट करते थे वो हर बार अचीव कर पाते थे। और वो इसीलिए होता था क्योंकि जितना भी वो नहीं होता था अचीव, वो उसको फार्म पावर यूज़ शो कर देते थे, क्योंकि देर वॉज नो वे टू एक्चुअली मेजर कि कितना फार्मर्स पावर यूज़ कर रहे हैं। तो ईमी का सजेशन यही था कि आप फार्मर्स का डिमांड देखिए और अपने सप्लाई को उसके हिसाब से ट्यून करने की कोशिश कीजिए। लेकिन 2004 में जो गुजरात गवर्नमेंट ने नया ज्योतिग्राम स्कीम इम्प्लीमेंट किया, वो कुछ मायने में तो ईमी के सजेशन से काफ़ी आगे गया, और कुछ मायने में कुछ ईमी के सजेशन उसमें नहीं इंक्लूड हो पाए। ये कहना मुश्किल है कि ईमी के रिसर्च की वजह से वो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कोइंसिडेंस है, देर इज़ नो कॉजालिटी, रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है। लेकिन डेफिनेटली कुछ मामलों में जो हम लोग ने सजेस्ट किया था वो अचीव हो पाया ज्योतिर्ग्राम से। तो ये एक ADB के लोन के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ, 2003 सितंबर में स्टार्ट हुआ, लेकिन और सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ डांग्स में, विच इज़ अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिकली इसका पूरे गुजरात को रिवायर किया स्कीम के अंडर। पहले जो बिफोर ज्योतिग्राम गुजरात के कनेक्शन थे, हर विलेज को एक लाइन जाता था, और उस विलेज में कुछ एग्रीकल्चरल कनेक्शंस होते थे, कुछ डोमेस्टिक कनेक्शंस होते थे, कुछ कमर्शियल कनेक्शन होते थे। ऐसे ही हर विलेज का, नहीं तो दो या तीन विलेज का एक 11 KV फीडर होता था, एंड ऑल फीडर्स यूज टू सर्व विलेजेस लाइक दिस। बाद में क्या हो गया कि उन्होंने एक एग्रीकल्चर फीडर करा दिए और नॉन एग्रीकल्चर फीडर करा दिए। जो एग्रीकल्चर फीडर थे वो अलग अलग विलेजेस के एग्रीकल्चर कनेक्शंस को सर्व करते थे, और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स डोमेस्टिक और कमर्शियल रेट्स कनेक्शंस को सर्व करते थे। इन नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स पे 24 आवर टॉप क्वालिटी पावर इंश्योर किया गया। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर स्टेट, और कोई स्टेट है इंडिया में अभी भी जहाँ गाँव में, घरों में और गांव के शॉप्स में और फ्लोर मिल्स में, आटा चक्की में 24 घंटे बिजली दिया जाता है हाई क्वालिटी, मतलब फुल वोल्टेज पे, वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और एग्रीकल्चर फीडर्स पे 8 घंटे अगेन हाई क्वालिटी पावर, और प्री अनाउंस शेड्यूल पे लोकल न्यूज़पेपर्स में अनाउंस किया जाता है कि इन डेट्स पे इस घंटे से इस घंटे बिजली आएगी, इन डेट्स पे इस घंटे से इस घंटे। तो फार्मर्स कैन एडजस्ट according to a pre-announced schedule, and the Gujarat Electricity Board actually sticks to the schedule that is announced. So, total roughly 30% is agriculture. Yeah. इसके अलावा एक और भी काफी सारे initiatives लिए। ये जो feeder separation है ये अभी तक काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया नाउ वांट टू डू दिस,
और उनको लगता है कि गुजरात में जो सक्सेस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के इम्प्रूवमेंट में वो सिर्फ ये करने से हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की गई जो इतने आसान नहीं हैं। दैट इज़ बेसिकली अ टेक्निकल इंटरवेंशन जो आई थिंक द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज ओनली अराउंड 1100 or 1200 crores इफ आई गॉट माई नंबर्स राइट। बट उसके अलावा देर वॉज अ वॉलंट्री डिस्क्लोजर स्कीम जिसमें अगर आपका अंडर रिपोर्टेड कनेक्शन है यू कैन गो टू द GAB, आपका एक नॉमिनल सा फाइन होता है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन अपडेट कर लिया जाता है। ये काफ़ी सक्सेसफुल था, इसमें बहुत सारे फार्मर्स आए, लेकिन पार्टली सही रीजंस की वजह से फार्मर्स आए, लेकिन कुछ जो स्मार्ट फार्मर्स थे उन्होंने इस स्कीम को यूज़ भी किया। अभी अगर आपके पास एक 20 HP कनेक्शन है और आप एक एक्स्ट्रा कनेक्शन चाहते हैं फॉर अनदर 20 HP, 2004-05 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम आपको कम से कम 6 या 7 साल वेट करना पड़ता था उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास 20 HP कनेक्शन है और आपने उसको रजिस्टर भी किया हुआ है 20 HP का, अब आप जाके बोल दें नहीं एक्चुअली मेरे पास 40 HP है, तो थोड़े से नॉमिनल फाइन के बाद आपको एकदम से रजिस्टर्ड ऑफिशियल 40 HP कनेक्शन मिल जाएगा। सो लॉट ऑफ फार्मर्स यूज दिस स्कीम ऑल्सो टू अपग्रेड देयर लोड, कनेक्टेड लोड। उसके अलावा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया, इट वॉज स्प्लिट इन टू 7 companies और